नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरुजी, सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट होने वाला है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन कार्ड हमको ऑलरेडी दिख गया। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। ऑल्सो जब भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए रीडिंग करती हूँ, हमेशा आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि प्लीज़ ये रीडिंग आप तभी देखिए जब आप श्योर है कि कोई तीसरा इंसान जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के सिचुएशन में जो है इन्वॉल्व है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ डाउट के बिहाफ पर आप ये रीडिंग मत देखिएगा, इसकी जगह आप अपने लिए कोई और रीडिंग चूज कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की जहाँ बात हो रही है, सो ये जो थर्ड पार्टी है ये फैमिली हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ ह्यूमन। यहाँ पे हम किसी हेल्थ या करियर रिलेटेड एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। सो ओवरऑल सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके लिए जो जनरल एनर्जी है, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की जनरल एनर्जी क्या है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रीस्टेस, एंड वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज द जनरल एनर्जी, ठीक है। किन चीजों में आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, टू ऑफ पेंटिकल्स। इस सिचुएशन का ओवरऑल आउटकम आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। और अभी की जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या है, टू ऑफ सोर्ड्स। सो कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। लेट्स अरेंज द कार्ड्स और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि अभी के लिए क्या आ रहा है भाई। सो अभी जो जनरल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, चीज़ें अनस्टेबल दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आप लकी रहे तो आपके फेवर में जा सकती हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा इंसान जो अपनी जगह पर सही है, जो कार्मिकली सही है, थिंग्स विल अल्टीमेटली बी इन देयर फेवर। ओके, उनके फेवर में चीज़ें जाएंगी जिन्होंने कोई भी बैड कर्मा जो है वो इस सिचुएशन से जुड़ा या इस व्यक्ति से जुड़ा नहीं किया हुआ है। एंड बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि तीनों का ही, तीनों लोग यहाँ पे, तीन लोगों की बात हो रही है, तीनों का ही जो पूरा एंटायर फोकस जो है ना वो इस सिचुएशन के ऊपर है कि आगे क्या करना है। प्लानिंग चल रही है, अ लॉट ऑफ प्लानिंग इज गोइंग ऑन, वॉट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या, अब आगे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। हो सकता है कि आपके पर्सन जो कि एक लिंक है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, वो अपनी फैमिली के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस कर रहे हैं एंड कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वन पॉजिटिव थिंग इज देयर दैट के ये एनर्जी स्टेबल नहीं है, एज इन स्टेगनेंट नहीं है, मूविंग है। सो मूवमेंट है यहाँ पर इस एनर्जी में, विच इज़ बेसिकली अ गुड साइन। एटलीस्ट अगर इस तरीके की एनर्जी है तो बहुत लंबे समय तक हो सकता है कि आप लोग अटके नहीं रहोगे और जल्दी आपको कुछ आंसर या कुछ क्लियर, कुछ क्लैरिटी इस सिचुएशन में जो है वो आती हुई दिखाई देगी। किसी की तरफ से कोई बहुत खास संदेश, कोई बहुत खास मैसेज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको टू ऑफ पेंटिकल्स का ध्यान रखना है, यानी कि आप जो यहाँ पर मे बी अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को जगल कर रहे हैं, या दो रिश्तों को जगल कर रहे हैं, या दो प्रायोरिटीज़ को जगल कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कि आपकी तरफ से भी किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो। कई लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन भी होगी। सो यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है। दिस कुड बी लाइक कि आपको आने वाले टाइम में जिस रास्ते पर आप हो, जिस पाथ पर आप चल रहे हो, जिस रिलेशनशिप में आप एट प्रेजेंट हो, आने वाले टाइम में आपके हाथ में कुछ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, यानी कि आपको कुछ ऐसा सौंपा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से जिसे आपको फिर बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा फॉर क्वाइट सम टाइम, 1 से 2 साल तक के लिए। कुछ रिजिड या स्ट्रिक्ट एनर्जी, स्टबर्न एनर्जी जो है वो हो सकती है।
एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते बूझते गलती कर रहे हैं, देखते हुए आबेल मुझे मार वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे. सॉरी टू से दिस, बट ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के अपनी अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, और पता भी है कि आने वाले टाइम में फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रहे हैं. ऐसी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ अ साइन ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक सिचुएशन. आपको जूझना ही पड़ेगा उससे, आप उससे बच के कहीं भाग नहीं सकते हो. जो होना है या जो जिन इमोशंस से, जिन परीक्षाओं से होकर के आपको गुजरना है, ठीक है, वो तो लाइक इनएविटेबल है, उसको हटाया नहीं जा सकता. लेकिन अपनी आंखों से ये पट्टी ज़रूर खोली जा सकती है. ये जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, कि सच्चाई है, सामने सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी देख नहीं रहे हैं. मे बी आपके पर्सन की कुछ रियलिटी है जिसको जानते बूझते आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है. वॉट कुड बी द ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, उसके लिए हमारे पास में टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया है. तो मेहनत और बहुत ज़्यादा एनर्जी इनपुट इस सिचुएशन में आपको करना पड़ेगा अगर आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए, शांति चाहिए, और आप कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहते हो. तो अभी के लिए आपको अपनी तरफ से इनपुट देना ही पड़ेगा, या अभी के लिए आपको अपनी तरफ से इस सिचुएशन के साथ में अटैच रहना पड़ेगा. अगर आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो तो उससे आपकी जो कार्मिक जर्नी है वो और लंबी खिंच जाएगी, आपकी सफरिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी. ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है. नाउ लेट्स सी, लेट्स शफल अप द डेक वंस अगेन, और देखते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इनकी एनर्जी भाई आपके प्रति कैसी है, और थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स जो है वो कैसी है, दोनों के टुवर्ड्स किस तरीके के इमोशंस हैं. तो लेट्स सी सबसे पहले कि आपके टुवर्ड्स इनके इमोशंस कैसे हैं. वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव फोर ऑफ कप्स. ओके, अच्छा, ये जो कार्ड्स हैं इनको प्लीज जनरल टैरो मीनिंग के साथ में लिंक मत कीजिएगा. दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डेक. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आ गया है, ये आपके लिए है. थ्री कार्ड्स फॉर देयर एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी. टेम्परेंस, यहां से पहला कार्ड ले लेते हैं. दिस वन इज सिक्स ऑफ कप्स. कार्ड्स बहुत कुछ हमको बता देते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एंड ओवरऑल इनकी जो इमोशनल स्टेट है अभी वो क्या है. ओवरऑल इस व्यक्ति की जो इमोशनल स्टेट है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की. जैसी करनी वैसी भरनी वाली मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है. एज इन के आप जैसा बीज आप बोते हो वैसा ही फल आप पाते हो अपनी लाइफ में. और एक डिससेटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रही है. ये पर्सन जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जर्नी में. इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं अटक गए हैं. आपको लेकर के जो इनके इमोशंस हैं, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट मे बी आप अपने इमोशंस इनको अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप अभी भी रेडी हो इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाने के लिए, या स्टिल इस व्यक्ति को फील हो रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, और आपके इंटेंशंस भी बुरे नहीं हैं. ये जानते हैं कि आपके इंटेंशंस बुरे नहीं हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन, यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन. दे नो दैट यू लव देम, दैट यू केयर फॉर देम. उस चीज़ को लेकर के उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. और हमारे पास में जो ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये पर्सन जो है ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे हैं. इन्हें पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये इस अटेंशन को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन की तरह भी है. ये इस इमोशन को भी इन्जॉय कर रहे हैं, इस रिलेशन को भी कहीं ना कहीं इन्जॉय कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी की प्रेजेंस भी है. सो बैक ऑफ द माइंड दिस पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रांग
स्ट्रांग सपोर्ट दे नो कि ये अकेले नहीं है या ये कभी भी एक वीक जगह पर एंड नहीं होंगे क्योंकि इनके पास में कोई ना कोई कनेक्शन तो रहेगा ही। आप नहीं रहोगे तो थर्ड पार्टी होगा, थर्ड पार्टी नहीं होगी तो आपके साथ में इनका कुछ ना कुछ कनेक्ट रहेगा। तो ये अपने आप को सेफ करके चलने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके रिश्ते की अगर हम बात करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक इनके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, और ये बात भी इनको बहुत अच्छे से महसूस होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है पूरी पावर जो है वो आपने इनको दे रखी है, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, बहुत पेडेस्टल पे रखा हुआ है और आप अपने इमोशंस बस इनको दिखाए जा रहे हो और वो फुल ऑन आपके जो इमोशंस हैं उनका यूज़ भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसीलिए आपका टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आ रहा था कि आंखें खोल के देखिए चल क्या रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर के जो इनकी एनर्जी आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं है, थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे कम्प्लीटली इग्नोरेंस की वाइब आ रही है। ओके, थर्ड पर्सन जो भी इस सिचुएशन में है वो जानते ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, उनके पीठ पीछे क्या चल रहा है। मे बी थर्ड पार्टी को आपकी प्रेजेंस के बारे में नहीं पता है, ये थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हो जबकि यू आर समहाउ स्टिल कनेक्टेड, आप लोग फिर भी एक दूसरे के साथ में किसी ना किसी तरह से अभी भी कनेक्टेड हो। मे बी कई लोगों की बात नहीं हो रही है लेकिन टेलीपैथिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर अभी भी कनेक्टेड है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो वो मेहनत वाली एनर्जी आ रही थी ना वो शायद थर्ड पार्टी की तरफ से है कि थर्ड पार्टी को अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो उनको भी बहुत ज़्यादा जैसे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और उनको भी बैक ऑफ नहीं करना है। एंड आई थिंक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सपने सजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में हैं और मे बी आपके जो पार्टनर है, मे बी ये थर्ड पार्टी जो है ये फैमिली भी हो सकती है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव अफेयर ही हो, ये फैमिली भी हो सकती है। सो ये जो भी हैं, जो भी व्यक्ति हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन, उनको पता नहीं है या उनको एज़ पर द रीडिंग जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है दैट यू आर ऑल्सो प्रेजेंटली इन्वॉल्व्ड इन द सिचुएशन, आके आपकी भी जो इन्वॉल्वमेंट है सिचुएशन में वो है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कंपैरेटिवली ज़्यादा इमोशनल है और ये एक कॉमन चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और जो थर्ड पार्टी है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपके जो पर्सन है वो पूरी प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हैं, उनके लिए पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ रहा है। तो ये इंसान टाइम टू टाइम कंपेयर करते रहते हैं, ये कंपेयर करते रहते हैं कि मेरा फ़ायदा किस तरफ होगा। थोड़ी सेल्फिश एनर्जी है, थोड़ी नहीं काफ़ी सेल्फिश एनर्जी है और थोड़ी सी हिडियस एनर्जी भी है। ओके, कनिंग पर्सन है बहुत ज़्यादा जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कनिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसे इंसान के साथ में अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहोगे तो स्टक ही रह जाओगे, सो डू थिंक अबाउट इट। एंड स्पेशली अगर रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट कर रही है, जानते बूझते कुएं में छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इमोशंस कई बार इंसान को ब्लाइंड भी कर देते हैं, सो मेक श्योर कि आपके इमोशंस कहीं आपको ब्लाइंड तो नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसी एकदम सटीक सी सीधी सी बात आपके सामने है जो आप देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हो, क्या है वो चीज़। इस बारे में बैठ करके आपको सोचना है, कॉन्टम्पलेट करना है। दिस इज़ द ओवरऑल आउटकम ऑफ द रीडिंग एंड दिस इज़ इट। इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। जाने से पहले गाइज एनर्जी एक्सचेंज जरूर से कर दीजिएगा, मेक श्योर यू लाइक एंड यू सब्सक्राइब, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।